OBS कहानी नंबर 37 ईसु ने लाजर मरिया दे विच ते जिउंदा कीता। एक बार लाजर नावां दा इक आदमी था ते इसदी दो बहना थिया, एक दा नाम मरियम और दूजा नाम मार्था था। ये तीनों ईसु दे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन किने ईसु को बताया कि लाजर बहुत बीमार है। ये सुनी के ईसु ने बोलिया, ये बीमारी मौत होने खातर नहीं है बल्कि परमात्मा की बड़ियाई खातर है, ताकि लोग परमात्मा का आदर करो। ईसु अपने दोस्तों साथ प्यार करो था, पर जेती से था तेती तिने दो दिन तक इंतजार किया। तिने दो दिन के बाद ईसु ने अपने चेलिया के बोलिया, आओ वापस यहूदिया प्रदेशक चलो। चेलिया ने जवाब दिता, ए गुरु, एबू कुछ ही समय पहले तो तेतरे लोग ताके मारना चाहो थे। ईसु ने बोलिया, आ सारा दोस्त लाजर सही गदा है और माखी से जगाना है। ईसु ने चेलिया ने जवाब दिता, ए प्रभु, अगर लाजर सही गदा है तो कैसे ठीक हो जाना। तेब ईसु ने तिना के साफ साफ बोलता, लाजर मरी गदा है। हाँ खुश से कि हाँ तेती नहीं था, ताकि तुम मेरे पंदे भरोसा कर सको। जब ईसु लाजर गांव विच पहुंचा तो लाजर के कब्र विच रखे दे चार दिन हो चुके थे। मार्था ईसु को मिलने खातर बारे आई और बोलिया, ए प्रभु, अगर तू एती हुंदा तो मेरा भाई नहीं मरदा, पर हाँ भरोसा करू ही कि जो कुछ भी ते परमात्मा से मांगना तिने तक देना। ईसु ने तेसा के बोलिया, जीवन देने वाला और दोबारा जिंदा करने वाला सिर्फ हाँ है। जो कोई मेरे पंदे भरोसा करो आ, अगर से मरी भी जाओ तो भी जीवना। जो कोई मेरे पंदे भरोसा करो आ, से कदी भी नहीं मरना। क्या तू इस गल्ला पंदे भरोसा करो ही? मार्था ने जवाब दिता, हाँ प्रभु, हाँ भरोसा करो ही कि तू परमात्मा का पुत्र मसीह है। तेवे मरियम तेती पहुंची जेती ईसु था। से ईसु पैरा विच पड़गी और बोलने लगी, ए प्रभु, अगर तू एती हुंदा तो मेरा भाई नहीं मरदा। ईसु ने तेसा ते पूछया, तुसे लाजर के दफनाई रखा? तिना ने ईसु के बोलिया, ए प्रभु, कब्रा पंदे चल और देख ले। तेवे ईसु रोने लग्या। से कब्र एक गुफा विच बनाई रखी थी और तीजे दरवाजे पंदे एक बड़ा सारा पत्थर रखी रखा था। जब ईसु कब्र पंदे पहुंचा तो तिने तिना के बोलिया, इस पत्थर किनारे हटाओ। पर मार्था ने ईसु के बोलिया, ए प्रभु, लाजर के मरे तो चार दिन हो चुके थे, एब तो तेस ते बदबू आने लगी होनी। ईसु ने जवाब दिता, क्या मैं ताके बोलिया नहीं था कि अगर तू मेरे पंदे भरोसा करोगी तो तै परमात्मा की सामर्थ्य देखनी। तब तिना ने से पत्थर किनारे हटाईता। तब ईसु ने स्वर्ग तरफ देखी के बोलिया, ए पिता परमात्मा, हाँ तेरा धन्यवाद करूंगे क्योंकि तै मेरी सुनी। हाँ जानू आ कि तू हमेशा मेरी सुनो आ, पर जो इतिहास पास लोग भीड़ खड़ी रही इनारी मदद करने खातर मैं ये बोलिया, ताकि ये लोग भरोसा करो कि हाँ तैं भेज रखा। तेब ईसु ने आवाज लगाई, ए लाजर, कब्रा विच निकली के बारे आओ। तेब लाजर कफना समेत कब्रा विच बारे आएगा। ईसु ने तिना के बोलिया, इसर कफन खोलने विच इसरी मदद करो और इसके जाने दो। तेब जो यहूदी लोग मरियमा के आए रहे थे और जब तिना ने ईसु रा ये चमत्कार देखा तो तिना विच बहुत सारे लोगों ने ईसु पंद भरोसा किया। पर यहूदी लोग धार्मिक गुरु ईसु से जलन करने लगे, इस खातर स्यो कट्ठे हुई के ईसु के और लाजरा के खत्म करने की योजना बनाने लगे।